जय हिंद। आज मतलब कि 12th क्लास के भी मतलब कि आपको आ चुका है मतलब टाइम टेबल बिहार बोर्ड का, तो बहुत अच्छा खुशखबरी है क्योंकि 10th क्लास का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब सोचे कि देखे कि उसमें नहीं खुल रहा था 12th क्लास का, तो मेरे पास सूचना नहीं आ पा रहा था, तो आज अभी क्या आया तो हम जस्ट आपको को देखे बोर्ड पर लिख कर आपको समझाना चाह रहे हैं तो कहिया से स्टार्ट होने वाला है। तब देखिए बच्चे अपने आप को मजबूत कीजिए और संघर्ष करने का प्रयास कीजिए। अब बताने जा रहे हैं आपको टाइम टेबल बिहार बोर्ड का, तो यह हौसला रखने वाला कभी भी निराश नहीं होता और संघर्ष करने वाला कभी उदास नहीं होता, इसलिए संघर्ष करने के प्रयास कीजिए। बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 का 12th क्लास का जो बच्चा है और जो बच्चा आर्ट्स ले है, कॉमर्स ले है, साइंस ले, तीनों बच्चा के यहाँ पर लिखे हुए सबका टाइम टेबल बता देंगे, आप उसमें एकदम ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, आज संघर्ष करने के प्रयास कीजिए। अब आज आते हैं, पहले टाइम टेबल बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि बिहार बोर्ड में क्या चेंजिंग किया है, क्या पैटर्न आपको चेंजिंग किया हुआ है। आप बने रहिए टीवी मेरा चैनल पर, तो देखते रहिए। आगे देखते हैं, यह 1 फरवरी को किया है मैथ, 1 फरवरी को जो बच्चा साइंस ले हैं, जो बच्चा साइंस ले है चाहे आईकम किया हो, चाहे वो साइंस ले हैं, वो साइंस ले चाहे आईए किया, देखो साइंस में भी देखो साइंस मैथ दो टाइप में चला गया है, एक साइंस वाला बच्चा लेता है वो आईए वाला बच्चा लेता है, दोनों में क्या होता है मैथ 1 फरवरी का है और जो सेकेंड आपका फर्स्ट पाली में है, सेकेंड पाली में जो आईए का जो बच्चा है उसके लिए हिंदी किया गया है सुना। उसके बाद वो सेकेंड फरवरी का है फिका फिजिक्स, जो बच्चा मतलब साइंस ले है उसके लिए फिजिक्स है 2 फरवरी का, और इंग्लिश जो है उस बच्चा के लिए जो आईए है और का था मतलब कि एक एक्सटर्नल लिया है जो बच्चा उसके लिए यह इंग्लिश है उसकी। आगे की कह रहा है कि 3rd फरवरी को जो बच्चा है केमिस्ट्री, जो बच्चा साइंस ले है वह बच्चा के लिए केमिस्ट्री है, और जो बच्चा मतलब कि आईए से है आइए है वह उसके लिए है उसको ज्योग्राफी है, जो बच्चा मतलब कि एग्रीकल्चर है, जो बच्चा मतलब कि कल्चर, जो बच्चा साइंस में एग्रीकल्चर लिया हुआ है उसके लिए एग्रीकल्चर साइंस है, समय बात को तो ज्योग्राफी वो बच्चा के लिए है जो मतलब आइए है आइए लिया हुआ है, जो बच्चा आइए से लिया है उसके लिए केमिस्ट्री है 3 फरवरी के, 4 फरवरी के इंग्लिश है, इंग्लिश वह बच्चा के आईएससी वाला बच्चा के लिए इंग्लिश है और आईकम वाला बच्चा के लिए इंग्लिश है, मतलब कि आईएससी जो बच्चा किया कर रहा है उसके लिए भी इंग्लिश है 4 फरवरी के, और क्या जो बच्चा आईकम कर रहा है उसके लिए भी इंग्लिश है 4 फरवरी के फर्स्ट पाली में, और सेकेंड पाली में वो हिस्ट्री है, जो बच्चा आईए कर रहा है उसके लिए हिस्ट्री है, जो बच्चा अगर आईए कर रहा है वह सेकेंड पाली में उसका चला जाएगा। मत आगे जो कह रहा है कि 7 फरवरी के बच्चा को बायोलॉजी, जो बच्चा साइंस ले है वह उसके लिए बच्चा है बच्चिया के लिए उसके लिए कहा था साइंस, जो बच्चा बच्चा जो लिया हुआ है उसके लिए 7 फरवरी के बायोलॉजी है, और जो बच्चा मतलब कि आईए लिया उसको पॉलिटिकल साइंस है, और जो बच्चा मतलब कि बीकॉम लिया उसके बिजनेस स्टडी है, जो बच्चा मतलब बीकॉम के कर रहा है उसके लिए बिजनेस स्टडी है, और जो बच्चा मतलब पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है मतलब कि आईए कर रहा है उसके लिए पॉलिटिकल साइंस है 7 फरवरी का, जो बच्चा मतलब कि साइंस लिया उसके लिए है साइंस लिया जो बच्चा उसको है आपको 7 फरवरी का उसके लिए बायोलॉजी है 7 फरवरी का। अब यहाँ 7 फरवरी को हो गया काम, अब आते 8 फरवरी के बोर्ड पढ़ रहे हैं, 8 फरवरी के हिंदी है उस बच्चे के लिए जो साइंस ले है, जो बच्चा साइंस ले है उसके लिए 8 फरवरी का हिंदी पड़ेगा, और कहा था उसके जो वह बच्चा के लिए जो आईकॉम लिया उसको हिंदी पड़ेगा 8 फरवरी का, और जो बच्चा आईए लिया है उसके लिए पड़ेगा आपका इकोनॉमिक्स, जो बच्चा मतलब कि लिया हुआ मतलब कि वो लिया आईए जो ले रहा बच्चा उसके इकोनॉमिक्स ले पड़ेगा, और जो बच्चा आईकॉम भी कर रहा है वो इकोनॉमिक्स चूज किया तो उसका इकोनॉमिक्स पड़ेगा। आगे को बढ़े 9 फरवरी के पड़ेगा लैंग्वेज स्टडी, जो बच्चा अपना लैंग्वेज चूज किया लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज किया हुआ है तो लैंग्वेज तेलुगु मराठी सब जो लैंग्वेज चूज किया उसके लिए सब्जेक्ट मिला, जो आईएससी हो चाहे आईकॉम हो चाहे आईए हो चाहे एक्सटर्नल सब्जेक्ट में लिया है, मतलब कि 9 तारीख उस लैंग्वेज सब्जेक्ट होने वाला है, जो बच्चा अपना लैंग्वेज चूज किया चाहे हिंदी है इंग्लिश है उर्दू फारसी तेलुगु महाराष्ट्र जो पंजाबी हरियाणा गुजराती जो बच्चा इस तरह का लिया हुआ है उसके लिए मतलब कि आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चा आईए जो कर रहा है उसके लिए है क्या था साइकोलॉजी है, जो बच्चा आईए लिया हुआ है उसके लिए साइकोलॉजी उस दिन है 9 तारीख को साइकोलॉजी है, और उसके बाद आगे 9 तारीख को बता दिए कि लैंग्वेज स्टडी है, जो बच्चा आईएससी कर रहा है चाहे आईकॉम कर आईए चाहे एक्सटर्नल लिया सब्जेक्ट उसके लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट है 9 तारीख को, और कहा था 9 फरवरी को, और जो बच्चा मतलब कि आईए लिया उसको साइकोलॉजी है।
आगे बढ़ते हैं 10 फरवरी के हम लोग आते हैं। 10 फरवरी के जो बच्चा मतलब कि आईए जो लिया हुआ है उसके लिए म्यूजिक साइंस है, म्यूजिक ले सकता है। जो बच्चा मतलब कि वैकेंस में लिया हुआ है मतलब कि जो मतलब आईकॉम कर रहा है उसके लिए कहा था फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन जो कोर्स लिया उसके लिए वैकेंट कोर्स मिल डाला गया है। और जो बच्चा मतलब कि आईकॉम कर रहा है उसको इंटर्नशिप है 10 फरवरी का। आगे चल के आगे 11 फरवरी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी 11 फरवरी के है, जो बच्चा सोशियोलॉजी उसका पड़ेगा। और जो बच्चा मतलब कि आईएससी आईए आईकॉम जो कर रहा है उसको एनआरबी जो 50 नंबर होने वाला वो एनआरबी होगा आपका। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो बच्चा होगा जो 12 फरवरी का था अकाउंटेंट, जो बच्चा आईकॉम जो बच्चा होगा उसके लिए अकाउंटेंट है। और जो बच्चा आईएससी होगा उसको फिलोसफी है। और जो बच्चा मतलब कि आईए और आईएससी आईकॉम होगा उसकी एमबी है। उसके साथ साथ 14 फरवरी के जो बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट है, जो 14 फरवरी के है एडिशनल सब्जेक्ट आपका है आपका एग्जाम। तो आई होप आप समझे होंगे कि आपका 14 मतलब कि 2 से चलकर आपको मतलब कि 2 से चलकर 14 तक आपको चलेगा इंटर क्लास के। अब इसमें जो रहा साइंस क्लास के बच्चा के लिए रहा था, साइंस क्लास के बच्चा के 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी 4 फरवरी और 5 4 फरवरी 5 फरवरी मतलब कि लगभग इसका बच्चा को 1, 2, 3, 4 लगातार उसको 8 तारीख तक उसको खत्म हो जाएगा। तो जब इसमें क्या हुआ कि सभी बच्चा को इसमें बता दिया गया। अब क्या हुआ कि बिहार बोर्ड एक अजब एक सूचना दिया हुआ है नीतीश कुमार के माध्यम से, एक सूचना यह हुआ कि जो बच्चा ऐसे देखे सभी यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड मतलब कि झारखंड बोर्ड, सभी अपना पर्टिकुलर जो बोर्ड है उसमें कुछ पैटर्न चेंजिंग किया हुआ है। तो बिहार बोर्ड ने एक चेंजिंग किया है जो जैसे कि देखिए कोरोना काल में जब यह हालात था, जब मार्च में कोरोना काल था तो उसमें कहा था बहुत बच्चा का उसका पढ़ाई डिस्टर्बेंस हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए बिहार बोर्ड ने एक अलाउमेंट किया कि उसमें क्या कटौती किया जाए। तो वह आप देखो बहुत अच्छा आपका दिल रूब-रूब होने वाला है क्योंकि आपको बहुत एक अच्छा खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। तो उसमें क्या कटौती किया है गया है कि सभी 30% कुछ-कुछ बोर्ड ने, कुछ-कुछ स्टेट बोर्ड ने क्या कहा 30% अपना कटौती किया सिलेबस को। मतलब बिहार बोर्ड इस तरह के हालात नहीं किया, बिहार बोर्ड ने सभी सिलेबस को इंक्लूड किया और क्या कर दिया उसमें क्या कर दिया कह रहा है कि इजी प्रोसेस कर दिया कि आपको मतलब कि क्वेश्चन जो आएगा पहले के तुलना से, जिसे मान लें कि 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसको तुलना के रिकॉर्ड निकाला जाए, उसके रिकॉर्ड के अनुसार अब की तरह आपको 30% इजी क्वेश्चन आने वाला है। मतलब 30% जो है आपका आसान क्वेश्चन आने वाला है, मतलब कि उसके 30% आपको आसान क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि बिहार बोर्ड ने बहुत एक सुनहरा कदम उठाया है कि बच्चा को सोचे 30% अगर सिलेबस उसको रिड्यूस कर दे तो बहुत कुछ बच्चा ऐसे मान लेगी जो गांव देहात में होगा तो उसको मुश्किल के सामना करना पड़ सकता है। बल्कि जो मतलब कि जो एक मतलब कि कहीं शहर में रह रहा है, छोटा टाउन में रह रहा है, सिटी में रह रहा है, उसके लिए तो अच्छा रहेगा। इसलिए ने कहा कि सीधे कहा था 30% इजी क्वेश्चन और बढ़ा दिया जाए। मतलब कि पहले जो पूछ रहा था 30% आपको इजी था, 30% उसके लिए मीडियम था, 30 उसके तरह था, 10% हार्ड था, इस तरह क्वेश्चन अराइज करता। अब कहा इजी क्वेश्चन को 60 कर दिया, मतलब कि यही अब क्वेश्चन आएगा, मतलब कि आपको कर दिया हार्ड क्वेश्चन 5%, उसको मीडियम टाइप को कर दिया 15, उसके बाद जो रिमेनिंग बचा आपको का 60 हो गया, यह कितना बचा आपका 15, मतलब 70 हो जाएगा यह, 15% रिमेनिंग किया। मतलब कहने की बात अब जो बच्चा इसमें जो अगर नॉर्मल भी बच्चा है, बहुत वीक कमजोर बच्चा है, वो थोड़ा सा अगर पढ़ रहा है तो आराम से मतलब कि फर्स्ट डिवीजन उसको आ जाएगा, उसमें फर्स्ट डिवीजन कोई यकीन नहीं लगने वाला है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, आप थोड़ा सा संघर्ष कीजिए, आप फर्स्ट डिवीजन आपको लेके आइएगा, क्योंकि अब के दम जो बिहार बोर्ड जो कदम उठाया है बहुत सुनहरा कदम उठाया है, आपको एकदम दिल खुश करने वाली खबर है। तो यह देखिए संघर्ष करने के प्रयास करिए, अपना रात दिन कीजिए, अब संघर्ष कैसे किया जाए तो संघर्ष के अब पैटर्न बता रहे हैं। देखिए संघर्ष करने वाले जो बच्चा है, जो मतलब कि रात दिन संघर्ष कर रहा है उसके लिए पैटर्न है। जैसे आपको मान लें 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट का कीजिए आप उसमें से 30-30 क्वेश्चन प्रतिदिन, चाहे वो रिपीटेशन हो जाए, माने कि बार बार उसको बना रहे हैं, 30-30 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट लेने प्रयास कीजिए और उसको बार बार याद कीजिए, लिखिए, बार बार याद कीजिए, लिखिए। कम से कम आप मिनिमम से मिनिमम 2 घंटा पढ़ने के प्रयास कीजिए, 2 घंटा। जो बच्चा बहुत मतलब कमजोर भी है ना, 2-2 घंटा कम से कम स्टडी करेगा तो उसको पक्का है कि फर्स्ट डिवीजन उसको एकदम रखा हुआ है,
फर्स्ट में एकदम 100% रखा हो, इसके कोई काटे नहीं सकता है। और जो बात अब कह रहा है कि क्यों, क्योंकि इसमें 30% इजी कर दिया है जी, पहले 30% इजी पूछ रहा है, अब 60% इजी पूछने वाला है। मान लीजिए आप थोड़ा सा संघर्ष कीजिएगा तो एकदम पूरा क्लीन बोर्ड हो जाएगा, अच्छा से अच्छा आपको रिजल्ट आने वाला है। लगभग जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो बहुत वीक बच्चा दिखाई अपने आपको कमजोर समझ रहा है, तो वह भी बच्चा कम से कम 60-65% लेके आ जाएगा। बट रहते क्या उसमें रहता, थोड़ा सा रूटीन उसको चेंजिंग करना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटा उसको, कम से कम मतलब कि प्रतिदिन 2 घंटा उसको स्टडी लाइन में आना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा। 2 घंटा सोचिए, 2 घंटा से आपको अगर आज 60% आ जा रहा है, तो इससे बड़ा खुशखबरी क्या होगा। बिहार बोर्ड नीतीश कुमार के माध्यम से यह एक बहुत गजब सुनहरा मौका हुआ, जैसे यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड जब जो अलग अलग कदम उठाया है, आसाम बोर्ड, ये सब अलग अलग कदम उठाया है। ये 30% कौन कम किया, कौन 45% कम किया, कौन 10% कम किया सिलेबस। बल्कि अब माने दिमाग में रखिए, सिलेबस जो कम कर रहा है तो उसलिए तो अच्छा है ना, कि मान लीजिए सिलेबस कम नहीं किया जाए, बच्चा को हो सके मान लीजिए उसने ऑप्टिकल से हटा दिया, मान लीजिए इंटीग्रेशन हटा दिया, इंटीग्रेशन को 2 टॉपिक हटा दिया, तो क्या उसमें कोई कटौती आ पाएगा, नहीं ना। अब अगर सिलेबस होगा, अगर पूरा का पूरा सिलेबस थोड़ा सा कमजोर आपका हल्का कर दिया, तो आपका हुआ कि आपको अब नंबर्स अच्छा से अच्छा आएगा। तो इसलिए आपको बहुत सुनहरा ऑफर है, इसको जाने न दे, संघर्ष करने का प्रयास कीजिए। अगर आप मेरे वो चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे को यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में साथ बेल आइकन का दबा दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हम आप मैथ के टीचर हैं, अब आपको मैथ के टीचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको रोजाना 50 क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेगा, पर डे आपको क्वेश्चन मिलेगा, पर डे 50 क्वेश्चन का आपको बैकअप कर लीजिए कि 50 क्वेश्चन मेरे तरफ से हैं। अगर आप जो भी मैथ के अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक सुनहरा ऑफर दिया जा रहा है कि आप 50 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगभग 30 मिनट के अंदर में आपको 50 क्वेश्चन के एकदम का तक कंसेप्ट बाई शॉर्ट ट्रिक से लॉन्ग ट्रिक तक आपको पूरा 30 मिनट के अंदर आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कंटिन्यू वीडियो देखती है, पक्का एकदम 100% है कि आपको 100 में 100 नहीं आया था बोलिएगा कि सम्राट सर क्या बोले थे, आप एकदम 100 में 100 लेके आइएगा, एक नंबर कटिंग नहीं होगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो बच्चा अगर आपका मतलब कि मैथ से रिलेटेड हुआ है। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, सम्राट सर आरा वाला।